The word Gondwana was derived from the tribe name Gonds, and this tribe is residing in the central India. First of all, this term was introduced by H.B. M. Dicott in 1872, who first time introduced the word Gondwana flora for a distinct flora. And this flora is mainly common in the region of the southern hemisphere, including South Africa, South America, Antarctica, Australia and India. ये वो रीजन है जहाँ पे मोस्टली जो है ना वो ये गोंडवाना फ्लोरा के जो फॉसिल्स हैं, जो रिमेन्स हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और वंस द रीजन वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये सारे यूनाइटेड थे, एक जगह पे थे, साथ थे, इस वजह से इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा गया। एंड एज ऑफ द गोंडवाना इज स्टार्टेड फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरियस टू द लोअर क्रिटेशियस पीरियड। अब ये जो रीजन था, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके लिए ये वीडियो प्ले करते हैं, इसमें देखते हैं। ये ऑलमोस्ट 200 और 196 मिलियन इयर्स अगो दिस रीजन वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, एंड देन दिस सुपर कॉन्टिनेंट स्टार्टेड स्प्लिटिंग एंड दिस प्लेट्स स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। लाइक यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टिनेंट बन रहे हैं, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, साउथ अमेरिका, और ये जो सबसे बड़ा रीजन आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस वुड बी एंटार्क्टिका, एंड इट्स अगेन स्प्लिटेड इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, एंड द इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द एशिया, और ये एशिया के साथ जाके ये ज्वाइन हो जाता है। इस तरह से ये साउदर्न हेमिस्फेयर का ये जो बहुत बड़ा पार्ट था, वो इस तरह से इसकी जो वो स्प्लिटिंग हो गई है। सबसे पहले इसे देखें तो ये सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट था जिसको कहते थे पेंगिया, एंड दिस पेंगिया वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना। गोंडवाना सबसे पहले इसको जो गोंडवाना लैंड कहा गया, और ये गोंडवाना लैंड देन इन दिस थर्ड पिक्चर इट अगेन सेपरेटेड इनटू ये वही रीजन जो भी हमने देखे हैं, लाइक इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। सबसे पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट और एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, जो बाद में इसकी स्प्लिटिंग से ये गोंडवाना लैंड बने हैं। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो दो तरह से इंडिया में ये, दैट इज द पेनिनसुलर एंड सेंट्रल इंडिया एंड एक्सटर्नल पेनिनसुलर इंडिया। जो सेंट्रल इंडिया में, दैट इज बंगाल, वैली ऑफ दामोदर एंड महाराष्ट्र, दैट इज गोडवारी रिवर एंड मध्य प्रदेश, द वैली ऑफ महांडी, और अगर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे देखे तो ये कश्मीर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसके जो ब्लैक शेडेड रीजन दिखाए गए हैं यहाँ पे ये मैप के ऊपर, यहाँ पे जो इनके गोंडवाना स्ट्रेटा या गोंडवाना फ्लोरा के जो रिमेन्स है वो यहाँ पे मिलते हैं। अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से है। अभी जो हम देखेंगे, दैट इज द टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें इस गोंडवाना रीजन को डिवाइड किया गया अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना में। अपर गोंडवाना में जो सीरीज या जो रीजन आते हैं, दोजार उमिया, जबलपुर, राजमहल, मधीवा, पंचत, दमुदा और तालचेर, ये लोअर गोंडवाना फ्लोरा या गोंडवाना रीजन में आते हैं। वहां पे जो फॉसिल्स मोस्टली डिस्कवर हुए अपर गोंडवाना में पिटिलोफाइलम फ्लोरा और लोअर गोंडवाना में ग्लॉसिपटेरिस फ्लोरा, ये यहाँ पे जो है वो पाए गए मोस्टली। और जो यहाँ पे टाइप्स हैं, वेजिटेशन की टाइप्स हैं अपर गोंडवाना में, वो है कॉनिफर्स और साइकेट्स, जबकि लोअर गोंडवाना में ग्लॉसिपटेरिस फ्लोरा था, तो यहाँ पे ग्लॉसिपटेरिस जो है वो वेजिटेशन टाइप पाई गई है। अगर क्लाइमेट का डिस्टिंक्शन किया जाए तो क्लाइमेट में यहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है अपर गोंडवाना में, जबकि लोअर गोंडवाना में जो है वो सब ड्राई एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। इससे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें इसी रीजन को जो है वो डिवाइड कर लिए गए थ्री फोल्ड में, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें देखा जाए, अगर आप प्रीवियस देखें तो यहाँ पे ये अपर गोंडवाना के यही रीजन है, इसमें ये जो ये रीजन है मधीवा और पंचत, इन दोनों रीजन को मिलाकर एक जो है वो दरमियान में एक सेंट्रल रीजन बना लिया गया, दैट इज मिडल गोंडवाना। बाकी रीजन सारे के सारे वही है, उमिया, जबलपुर, राजमहल ये अपर गोंडवाना में है, ये मधीव और पंचत जो है ये दोनों मिडल गोंडवाना में आ गए, और दामोदर और तालचेर जो लास्ट वाले दो रीजन थे वो लोअर गोंडवाना में चले गए।
अगर इसके एज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो ये लोअर क्रिटेशियस जुरैसिक पीरियड यहाँ पे आता है, अपर ट्रायसिक मिडल ट्रायसिक में मिडल गोंडवाना है और परमियन अपर कार्बोनिफेरियस और लोअर परमियन जो रीजन जो एजेस हैं वो लोअर गोंडवाना की एजेस है। फ्लोरा में पिटियोफाइलम पिटिलोफाइलम फ्लोरा यहाँ पे पाया जाता है और डाइकॉर्डियम फ्लोरा मिडल गोंडवाना में पाया जाता है, जबकि ग्लोसिपिटेरिस फ्लोरा और ग्लोसिपिटेरिस जो है वो लोअर गोंडवाना की डिस्टिंक्शन है। ये जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया इसमें ये यूरोफाइलम ये भी इस तरह की ये लीफ इनके इस तरह की फॉर्मेशन होती थी जो बाद में ये ड्रॉइड पिक्चर्स हैं, और या नीरोपिटेरिस ये इस तरह से बी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया कि उनकी लीफ फॉर्मेशन किस तरह से होती थी। गैंगेमोपिटेरिस ये सी फिगर यहाँ पे दिखाई गई कि इनके लीव्स फॉर्मेशन और उनमें वीनेशन किस तरह से होती थी, या फिर ये ग्लॉसिपिटेरिस ये इस तरह से नेटवर्क वेन यहाँ पे दिखाई गई कि उनके लीव फॉर्मेशन, ये ड्रॉड पिक्चर्स हैं कि यहाँ से जो इनके फोसल्स में यहाँ से कंप्रेस्ड फॉर्म में नजर आई हैं उनको किस तरह से जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। लिथोलॉजी मतलब इसमें जो सॉयल है वो किस तरह से कौन कौन सी सॉइल्स हैं पाई जाती है यहाँ पे। अपर गोंडवाना जो कि सीरीज थी जबलपुर राजमहल और मध्यम में वहाँ पे सैंडस्टोन शेल्स और क्ले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर राजमहल में देखा जाए तो वहाँ पे सैंडस्टोन ग्रिट्स कोल बेसल्टिक और लावा फ्लोज हैं, जो अगर मध्यम में देखा जाए तो रेड क्ले सैंडस्टोन और क्लेज यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर लिथोलॉजी देखी जाए लोअर गोंडवाना की तो पंचत में ब्रोन सैंडस्टोन और शेल्स पाए जाते हैं, दमुदा में सैंडस्टोन शेल्स कोल आयरन स्टोन और ग्रिट्स ज्यादा पाए जाते हैं, और तलचिर में सैंडस्टोन ग्रीनिश शेल और बोल्डर्स बेड जो वो ज्यादा लिथोलॉजी में फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। लिथोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स और सॉइल जो वहां पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई है उनको हम ये नीचे जो है वो इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है सैंडस्टोन, दोज आर सेडिमेंट्री रॉक्स कंपोज्ड ऑफ सैंड साइज सिलिकेट्स, ये इसके फिगर में यहाँ पे दिखाया गया कि सैंडस्टोन किस तरह से होता है। जो शेल्स होते हैं ये एक्चुअली लेयर्स होती है, ये लेयर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, फाइन ग्राइंड रॉक्स थिन लेड ये इस तरह से बनी होती है, दोज आर शेल्स। एक और टर्म यूज हुई है ऊपर यहाँ पे ग्रिट्स, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये एंगुलर सैंड साइज ग्रेन्स होते हैं, ये यहाँ पे ये एंगुलर यहाँ पे ये सैंडस्टोन नजर आ रहे हैं। अगर बेसाल्टिक लावा फॉर्म में देखा जाए तो ये लावा कंटेनिंग आयरन एंड मैग्नीशियम को कहते हैं, ये इस तरह से इनकी जो है वो क्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लिथोलॉजी है वो नजर आती है। बोल्डर बेड में देखा जाए तो कार्बोनेट्स बेयरिंग रॉक्स ये यहाँ पे नीचे सबसे नीचे नजर आ रहा है, कार्बोनेट्स बेयरिंग रॉक्स जो वो इसमें पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखें तो यहाँ पे जो जो फॉर्मेशन है जो जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उनको फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोल है, ये लोअर गोंडवाना में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोर हाउस है कोल का, वहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट मेनली ये बिटुमिनस है जो कि नॉन कुकिंग है और ये जो है वो बल्क में पाया जाता है। यहाँ पे आयरन है यहाँ पे सैटेलाइट आयरन ओर्स अबाउट 760 मीटर थिकनेस की यहाँ पे लेयर पाई जाती है, एंड दे माइट बी अमाउंटिंग 2000 मिलियन टन यहाँ पे ये हो सकता है, दे कंटेन 40-50% आयरन, तो ये आयरन जो है उसके रिजर्व भी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें क्लेज है, फायर क्लेज या रिफ्रैक्टरी क्लेज है, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड्स एंड दीज क्ले डिपॉजिट्स आर रॉ मटेरियल फॉर सिरेमिक्स, इससे सिरेमिक्स बन सकते हैं, पोटरी में ये यूज हो सकती है ये वाली क्ले। बिल्डिंग स्टोन्स, दिस गोंडवाना इज अ गुड सोर्स ऑफ द बल्क अमाउंट ऑफ बिल्डिंग स्टोन, और ये बिल्डिंग स्टोन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल जो है उसको बनाने के लिए यूज होगा। सो इस तरह के हम इस लेक्चर में गोंडवाना फ्लोरा होता क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके 2 टायर और 3 टायर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें जो रॉक्स है उनकी जो है वो फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, और फर्दर जो है वो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट इसके यूज होंगे। Thank you so much.